नमस्कार सकलके स्वागतम जनाय स्टुडियोत मय जाहनबी आज ग्रेप्तार हबो पारे दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इदि समन पुआर पिसतो उपस्थित भान आसल मुख्यमंत्री गराकी जार बाबे आजि केजरीवालर बाहगृहत इदिए अभियान चलाय ग्रेप्तार करিব পাৰে বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে লৈছো হবিহে आज ग्रेप्तार हम पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्रीगढ़ आज ग्रेप्तार हम पे सम्भावना प्रकट कर आम आदमी पार्टी इडिये आज केजरीवालक ग्रेप्तार कर सम्भावना केजरीवालक ग्रेप्तार कर सम्भावना आसे दाबी आम आदमी पार्टी आज केजरीवालर बासगृह अभियान चलो पे इडिये आम आदमी पार्टिये जी सम्भावना प्रकाश कर मुख्यमंत्रीगढ़ ग्रेप्तार कर दिल्ली सुरा दुर्नीतर समन पार पिछतो उपस्थित हर आज केजरीवाल तीन बारको इडिये समन दी अरविंद केजरीवाल तृत्य समन पार पिछतो उपस्थित हा ना अरविंद केजरीवाल लिखित पत्र इदिक उत्तर दिल दिल्लीर मुख्यमंत्री केजरीवाल आपर मते आज केजरीवाल बासगृह चल पारे इडिर अभियान और यह अभियान कालते केजरीवालक ग्रेप्तार कर सम्भावना व्यक्त करिछे आम आदमी पार्टी जीतु दिल्ली खुड़ा दुर्नीतर समन पठियाल इडिये और एबार दुबार नहय तीनबारको समन पार पिछतो उपस्थित हा ना दिल्लीर मुख्यमंत्री गराकी और तार पिछते आज एतिया दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बासगृह इडिये अभियान चलो बुली सम्भावना व्यक्त करिछे आम आदमी पार्टी और एदरे मुख्यमंत्री गराकी बासगृह अभियान चलाय मुख्यमंत्री गराकीक इडिये ग्रेप्तार करিব বুলিয়ে सम्भावना व्यक्त करिছে आम आदमी पार्टी लिखित पत्र इडिक उत्तर दी दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीतु तीनखनको समन पठियाल इडिये दिल्ली सुरा दुर्नीतर समन पठियाल इडिये और तीन बारको समन दियार पिछतो उपस्थित हा ना केजरीवाल जार पिछत लिखित पत्र इडिक उत्तर दी दिल्ली मुख्यमंत्रीगढ़ और तार पिछते एतिया आज दिन तो केजरीवाल बासगृह इडिये अभियान चलो सम्भावना व्यक्त करिछे और यह अभियान कालते मुख्यमंत्रीगढ़ इडिये ग्रेप्तार कर सम्भावना व्यक्त करिछे आम आदमी पार्टी और जीतु यह समग्र घटना एक प्रकार यह समग्र घटनक विभिन्न धरण प्रश्न उत्थापन हाओ देखने पा गई जी आम आदमी पार्टी सदस्य सकते जी इडिर समन इडिये जो बारे बारे नोटिस पठा समन पठियाए जब इतना दिल्ली सुरा दुर्नीतर क्षेत्र जी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाम अंतर्भुक्त तेने स्थल यह समग्र घटनक एक प्रकार षड़ आख्या दी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी नेता एक प्रकार षड़ आख्या दी जी लोकसभा निर्वाचन समागत तेने स्थल लोकसभा निर्वाचन पूर्वे एने दरे बारे बारे नोटिस पठिया जाते मुख्यमंत्रीगढ़ निर्वाचन प्रचार विरत थके निर्वाचन प्रचार जाते नारे तारबाद एनेरणे इतना षड़ रचना करषड़े एक प्रकार अभियोग उत्थन करेषको केन्द्र सरकार विरुद्ध एक गुतर अभियोग उत्थन करम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी नेता सदस्य सकते बीजेपी विरुद्ध गुतर अभियोग उत्थन करजेपिये ये षड़ इडि अथवा सी आई डर जरिए यह इडि अथवा सी आई डर भूल व्यवहार कर एनेरणे अरविंद केजरीवाल विपक्षे थियो कराइछे गुरुतर अभियोग उत्थन कर लोकसभा निर्वाचन पूर्वे एकदरे एक गभीर षड़ रचना करिछे गुरुतर अभियोग उत्थन कर जीतु लोकसभा निर्वाचन समागत 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्वे इतना यहदर मुख्यमंत्रीगढ़ दिल्लीर मुख्यमंत्रीगढ़ जाते कोनोधरणर लोकसभा निर्वाचन जाते प्रचार चलाब नारे निर्वाचन प्रचार जाते विरत थके तारबादे बारे बारे समन पठिया बारे बारे यहदर मुख्यमंत्रीगढ़ एनेर दुर्नीत संयुक्त कर गुतर अभियोग उत्थन करजेपिर विरुदे गुतर अभियोग उत्थन कर आम आदमी पार्टी सदस्य सकते आन आम आदमी पार्टी सदस्य सकते बीजेपी भय नक मंत्य प्रदान कर इडि सी आई डिको भय नक एक प्रकार मंत्य प्रदान कर आम आदमी पार्टी सदस्य सकते जीतु तृत्य समान पठाई अरविंद केजरीवाल और दिल्ली जी सुरा दुर्नीति सुरा दुर्नीतर दुर्नीत समान पठियाल अरविंद केजरीवाल और एबार दुबार नीबारक समान पठियाल और तृत्य समान पार पिछतो उपस्थित हा ना दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित हर विपरीते लिखित पत्र इडिक उत्तर दी दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल और सहे इतना आपर मते केजरीवाल बासगृह आज अभियान चलो सन्देह प्रकाश कर आज केजरीवाल बासगृह यह अभियान चलाय मुख्यमंत्रीगढ़ ग्रेप्तार कर सम्भावना आसे
ব্যক্ত কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু এই সমগ্র প্ৰক্ৰিয়া বা এই সকলো ঘটনা এক প্ৰকার গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যি ঘটনা বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বারে বারে এইদৰে সমন পঠিওৱাৰ যি কাম এই সকলোবোৰ এক প্ৰকার গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে আৰু এই যে ষড়যন্ত্ৰ এই ষড়যন্ত্ৰত সফল নহয় বুলিও এতিয়া মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে বা আম আদমি পাৰ্টিৰ সদস্যসকলে এতিয়া এইদৰে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আনকি বিজেপি বা ইডি বা সিআইডিক ভয় নকৰে বুলি এইদৰে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আনহাতে এই সকলোবোৰ বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বা বিজেপিয়ে জানি বুজি এই সকলোবোৰ কৰিছে বুলি এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইদৰে বারে বারে যি নোটিচ পঠিয়াইছে বা বারে বারে যি সমন পঠিয়াইছে অথবা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ এই সকলোবোৰ যি ঘটনা এই সকলোবোৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এই ঘটনাৰ পিছতেই যিহেতু বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বা আম আদমি পাৰ্টিৰ যিসকল নেতা আছিল তেওঁলোকেও বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এতিয়া আজিৰ এই যি খবৰ যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত অভিযান চলাব পাৰে ইডিয়ে আৰু অভিযান চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনাও যিহেতু আছে তেনেস্থলত আজি এতিয়া এইদৰে পুনৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলে আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা এনেধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 2024ৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত তেনেস্থলত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপক্ষক হৰুৱাবলৈ বা বিপক্ষৰ শক্তি কমাবলৈ এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বা বিপক্ষক এইদৰে যাতে বিপক্ষ যাতে উঠিব নোৱাৰে বা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপক্ষ যাতে দুৰ্বল হৈ পৰে বা বিপক্ষৰ শক্তি যাতে কমি যায় তাৰ বাবে এতিয়া এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু লগতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে বিজেপি ইডি বা চিআইডি ভয় নকৰে বুলিও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আনহাতে বিজেপিয়ে ইডি বা চিআইডিৰ ভুল ব্যৱহাৰ কৰি এনেদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে থিয় কৰা বুলি এইদৰে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এনেধৰণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब दो बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है, क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है, क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है, क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है। लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती, वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे। अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर